जिस काम के लिए आप लोग पधारे उसकी थोड़ी मैं आपको दार्शनिक व्याख्या कर लूँ। ये हमारे दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बात सत्य है कि आज तक जो कुछ हम कर्म कांड कर रहे हैं उससे कोई सीधा अफेक्ट नहीं होता, शुद्ध सीधा परिवर्तन नहीं आता। तो मैं जो कर रहा हूं इसे सिद्ध योग कहते हैं, सिद्ध योग। ये कश्मीरी शैव सिद्धांत का एक सिद्धांत है। कश्मीरी शैव दर्शन के अनुसार ईश्वर के पांच काम होते हैं, सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। ये पांचवा काम जो है अनुग्रह जो होता है वो गुरु करता है, जिससे साधक को अपने और पूरे संसार की वस्तु स्थिति की जानकारी हो जाती है। मैं पैसा वैसा की बात नहीं समझता, समझे समझे। बॉम्बे में एकदम मेरिन ड्राइव पर मेरे भारतीय विद्या भवन में प्रोग्राम था, तो कई गुजराती ने कहा जी ले लो। मैं कह यार नाम बेचेंगे, तो कहा नहीं व्यवस्था के लिए ले लो। तो चलो ले लेंगे। कितना ले लू? तो कहेंगे 1100 रुपये, तो कम से कम ले लो। मैंने चलो अगले प्रोग्राम में एंट्री फीस लगा दो 1100 रुपया। एक बात और बताओ कितना रुपया आ जाएगा, मैं संतोष हो जाऊंगा। तो पीछे हट गए, कहने लगे संतोष तो नहीं होगा, लालच और बढ़ेगा। तब मैंने कहा था ये ईश्वर ने और निकाल दी मेरे, मैं नहीं बोल रहा था। तो मैंने कहा देखिए मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा अमेरिका के शहर में, खाली जेब जाऊंगा और खाली आऊंगा। और वो गुरुदेव ने रख ली लाज, अब भी आ रहा हूँ थोड़े दिन पहले अमेरिका में 1 महीना लेकर आया। वहां एक मेरी शिष्या है अंग्रेज लड़की, उसकी शादी कहीं वहां अमेरिका में होगी कांग्रेसमैन के साथ। एक कांग्रेसमैन है डेमोक्रेटिक पार्टी का, डेनिस कुचिने की, वो चुनाव लड़ रहा राष्ट्रपति का। उस लड़की को मालूम हुआ तो भगी हुई मेरे पास आई। वो वाशिंगटन डीसी थी, मैं न्यूयॉर्क था, और फिर अपने हस्बैंड के पास ले गई मेरे को। तो आज तक मतलब जितने हजारों आदमी हर्ट से ठीक हो गए, कैंसर से ठीक हो गए, हेपेटाइटिस बी से ठीक हो गए। अब ये इंडिया टीवी वाला आया, इसको मतलब फिल्म आने के लिए आए, इंटरव्यू लिए, दो डॉक्टर हैं, कई एड्स के पेशेंट है, हेपेटाइटिस बी के पेशेंट है। वो ठीक कैसे हो गए? तो अब ठीक योग से हो गए, भगवान के नाम से ठीक हो गए। तो दो तरीका, एक तो नाम जप, दूसरा ध्यान। अब नाम जप के लिए एक ही शर्त है कि मन ही मन जपते रहो, उठते बैठते खाते पीते, समझे ना। शरीर एक है, चाहे ईसाई है, मुसलमान है, बौद्ध है, जैन है, कोई। और एक शरीर में अगर एड्स मर गई तो मानव मात्र में मर सकती। एक शरीर में मर गई, शरीर एक है, पूरे मानव का शरीर एक है। अगर एक में वो परिवर्तन आ गया तो मानव मात्र में आ सकता है। सवाल ये है कि वे अप्रोच उसका कैसा। तो गुरु के प्रति आपको रिक्वेस्ट ही करनी काफी है। आज जोड़ना गिड़गिड़ाना ऐसा कोई मायने नहीं रखता। कह दो कि ये लाभ हमको ही हो जाए, चुपचाप किसी को बताओ ही नहीं, तो ऐसा लाभ भी हो जाएगा। फिर वो प्रकाश पे ध्यान दिया, मैंने सोचा आग से दिखता, अंदर कैसे दिख रहा। फिर वो प्रकाश पे ध्यान दिया तो एक भवरे की गुंजन आवाज सुनाई दी पेट में। नहीं कैसा भवरा, कैसा पेट में? उस आवाज पे कंसंट्रेट हुआ तो वो गायत्री मंत्र जपा जा रहा था नाभि से, कंठ से नहीं जपा जा रहा था। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर वो ध्यान भंग हो गया, मेरे समझ में नहीं ये क्या हुआ। लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा ऐसा हुआ। तो मेरे को लग दी ये तो सिद्धि हो गई आपका, तो आप इसका तांत्रिक प्रयोग करो तो लाखों रुपए भेंट चढ़ाएंगे, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। कई पंडित आए मेरे पास, वो आए तो मेरे समझ में आगे बात तो ठीक, कुछ गड़बड़ तो हो गई। ईश्वर प्राप्ति के लिए आए हैं उनको 15-20 दिन में 5-7 दफे ध्यान कर लेना चाहिए। जपा जा रहा कि नहीं जपा जा रहा, मानसिक दिमाग से जपना, कंठ से जीभ से नहीं, और जीभ नहीं ले, दिमाग में चलता ही रहे, वो अजपा शुरू हो जाएगा। फिर याद रख के जपने की समस्या छुट्टी। फिर दूसरा ध्यान, अब ध्यान कहां करो? ये पातंजलि योग दर्शन की बात करते हैं। पातंजलि योग दर्शन जो है योग के 8 अंगों का अनुष्ठान बताता है,
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो समाधि धारणा पक्की नहीं होगी तो समाधि नहीं लगेगी, और धारणा पक्की होने के लिए आपके अंदर कोई कोई नई चीज हलचल पैदा हुआ आपके शरीर में, रोग तो कभी खत्म। रोग मेरे गोड़े में दर्द है वो ध्यान लगेगा नहीं, गोड़े की तरफ ध्यान जाएगा। तो इसलिए साधक के त्रिविधि ताप शांत होते। हमारे कलयुग के आदि गुरु मच्छेंद्र नाथ थे, मैं नाथ का चेला हूं, समझे नहीं समझे। मच्छेंद्र नाथ जी ने कहा है कि ये योग जो है वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है, ये अमर फल है वेद रूपी। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक आदि भौतिक आदि दैविक, मतलब फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। इससे बाहर कोई रोग ही नहीं है। अब वो मेंटल और फिजिकल को तो डॉक्टर ने किसी हद तक टैकल किया है, स्पिरिचुअल में आके वो हाथ झटका देते। मैंने पश्चिम में कहा था, मैंने कहा मैटर प्लस स्पिरिट मामला पार पड़ेगा, केवल तुम्हारे मैटर से बीमारी ठीक नहीं होगी, समझे ना समझे। अब वो हिल रहे हैं क्या करने लग गया ये, समझे। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे अब कुंडलिनी जाग जाएगी, तब रीढ़ की हड्डी आखिरी हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में एक सैक्रम होता है, उसमें 3.5 घंटे लगा के सोई जाती है। अगर समर्थ गुरु है तो वो जागृत हो सकती है, अगर हठयोग से करेगा नुकसान भी हो सकता है। तो आपको उस कुंडलिनी बोलने से कोई लेना ही देना नहीं है, आप तो केवल नाम जप और ध्यान करो, उसका हिसाब किताब मेरे पास छोड़ दो। गुरु जो है, गुरु दूसरा जन्म जाता होता है, है? और कहते हैं ना गुरु के बिना मुक्ति नहीं, और मुक्ति को ही खिलौना है, गुरु के पास जाते हैं आपको पकड़ा देगा, है? वो तो एक क्रियात्मक विधि है, मुक्ति पाने के लिए खुद को करना पड़ेगा, दूसरा आपके लिए कोई नहीं करेगा, करवाया जा रहा है मैं जानता हूं। परंतु ये विधान ऐसा है, ये जो ज्ञान है, ये जो धन है, जो कमाता है उसी का है, इसकी एंट्री ट्रांसफर नहीं हो सकती भाई। तो जितना जपोगे वही आपके आगे आएगा, केवल नाम ही ईश्वर का आपको मुक्ति तक पहुंचा देगा। तो वो कुंडलिनी योग करवाती है, इस तरह से जो योग होता है उससे सारे शारीरिक रोग खत्म हो जाते हैं। उसी अंग का योग होगा जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, उसी को कुंडलिनी टर्नअप करेगी, स्टिमुलेट करेगी। जब तक वो अंग बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक वही होगा योगों का। इस प्रकार सारे फिजिकल बीमारी खत्म हो जाती है, इससे गठिया अस्थमा हेपेटाइटिस बी ब्लड कैंसर कैंसर सभी खत्म हो रहा। और वो कर रही है कुंडलिनी, मैंने कभी नहीं कहा मैं कर रहा हूं, समझे समझे। मैंने कभी नहीं कहा डॉक्टर गलत है, डॉक्टर के पास इतना ज्ञान है, उसके बाद जो है अंदर एक डॉक्टर और बैठा है आपके, मैं तो उसे परिचय करवाऊंगा, बाहर वाला और अंदर वाला डॉक्टर दोनों मिल जाएंगे ना, तब फिर कोई रोग असाध्य नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं 16 साल से यहीं बैठा। तो इस प्रकार आपका चाहे कोई रोग है, चिंता करने की, मेडिकल साइंस ने कह दिया असाध्य है जी, मरोगे नहीं मरोगे। मैंने मार्केस को मार दिया, मैं भी, मेरे को भी दिखाता मरेगा बचेगा नहीं, तो जो नाम बता रहा हूं उसको जपोगे तो मरोगे नहीं। अरविंद ने देखिए भविष्यवाणी की हुई है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला तो 1906 में प्रकट हो गया वंदे मातरम, आज भी नहीं बोलने दिया जा रहा इस देश में। दूसरे के लिए कहा वो संजीवनी मंत्र है, वो माइस्टिक है, वो सीक्रेट है, बट नोट येट रिवील्ड, अभी प्रकट नहीं हुआ है। कृष्ण को उन्होंने सुपरमेंटल फोर्स कहा है, मैं तो कृष्ण के ही नाम से ठीक कर रहा हूं, मैं तो कृष्ण ही को सौंप रहा हूं, जो करना है कर दे, और सबको हो रहा है, समझे, सारे रोग खत्म हो रहे हैं। तो वैष्णव जो है कहता है मतलब मैटर्स मैटर्स, यहां बहुत हल्ला मचा था, ठीक नाको के हेड कुरेशी साहब तक बात पहुंची, तो भारत सरकार ने कहा जी ये क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी अप्लाइड साइंस की बात करते नहीं, ये तो कहते हैं मंत्र से ठीक करते, हम तो नहीं मानते उसको। तो ठीक क्यों हो रहा है,
वहां फिर एक और तकलीफ आ जाती है, वहां फिर डॉलर भगवान आ गया बेटा, डॉलर भगवान। एनजीओ चल रहे लाखों हैं, गुजरात से महसाने से गई डॉक्टर मेरे पास भेजते दीक्षा लेके आते, पर वो कहते जी ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा मेरा, नहीं तो मर जाओगे। ठीक तो और नाम के ऊपर जांच हो रहे हैं, मगर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और ले रहे बेचारे। अब क्या किया जाए? तो कोई अब देखिए, मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है कि दवाई और नाम जब साथ चलेगा तो 4 महीने में ठीक हो गए, और दवाई बंद कर दो तो 1 महीने में ठीक हो जाओ, 1 महीने में ठीक हो जाओगे। हो रही है, एक नहीं हजारों हो रहे हैं। मैं अभी यही हूं, 31 मार्च तक यही रहूंगा, समझन समझन। इजराइल में मेरे बहुत शिष्य, कम से कम 100-150 फैमिलीज में, वो अभी 24 नंबर को आ रहे हैं यहाँ, समझे। और वो पुष्कर में जो यहूदी आते हैं 8-9 हजार, उनको अपनी हिब्रू भाषा में समझा के यहाँ लाए, तब ये इनके समझ में आएगी इंडियंस की। तो इस प्रकार एक विधि है, आराधना की विधि है, ये हमारे दर्शन की एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पर अब ठीक है, अब योग क्या है तो लोग समझते ही नहीं। योग का मूल उद्देश्य मोक्ष है, पर मोक्ष से पहले तो सारे रोग खत्म होंगे तो ध्यान लगेगा। तो जब कुंडलिनी जाग जाएगी तो वो ऊपर उठेगी, ऊर्ध्वगमन करेगी, क्योंकि उसका मालिक यहां बैठा है सहस्रार में, हजार दल कमल में वो ईश्वर बैठा है, ब्रह्मांड अंदर तो ब्रह्मांड का रचयिता भी यहां बैठा है। अब वो जैसे रॉकेट ऊपर जाता है तो स्पार्क होता है एटॉमिक एनर्जी का, इसी तरह से वो कुंडलिनी को ऊपर पुश करे तो ऊपर जाएगी, नहीं तो कैसे ऊपर जाएगी। तो योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, योग प्राण अपान समान उदान और ज्ञान। प्राण वायु जैसे सांस लेने की बात है, अपान वायु जो है नाभि से नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है, और कुंडलिनी एरिड केटी के आखिरी हिस्से में अब ऊपर कैसे उठेगा? जब तक अपान वायु ऊपर नहीं उठेगा तो उसको पुश कौन करेगा? तो योग में 3 तरह के बंद लगते हैं, अभी अभी लगेंगे, अभी आपको अभी लगेंगे। पहला बंद लग गया मूला, पहला आपका आसन बदलेगा, फिर मूलाधार में बंद लग गया, अपान वायु नीचे जाएगा, वो ऊपर उठने लग जाएगा। जो ही कुंडलिनी नाभि से ऊपर आई, दूसरा बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं कूडियान बंद। फिर मूवमेंट चलता रहेगा, रीढ़ की हड्डी की खास एक्सरसाइज होगी, मतलब एक स्नायु भी ऐसा नहीं है जो सुषुम्ना से नहीं जुड़ा, और यहां से अगर मैसेज पूरा पास हो रहा है ढंग से तो कोई रोग नहीं है। इसलिए उन ब्लॉकेज को खत्म करेगी, जो नाभि से ऊपर दूसरा बंद लग गया उड़ान बंद, ऊपर उठते उठते ये कंठकूप जो है खड्डा कंठ का, इससे ऊपर निकली तीसरा बंद लग जाएगा, अपना लगेगा, उसको कहते हैं जालंधर बंद। उसके बाद में थोड़ा सा हिस्सा रह गया, उसमें हर तरह का मूवमेंट संभव नहीं, तो फिर प्राणायाम होता है। वो आज तो शुरू में प्राणायाम करो, और प्राणायाम ऑटोमेटिकली होगा, प्राणायाम आप नहीं करोगे, आप केवल नाम जप और यहां मेरा ध्यान करोगे, अपने ही आप होगा। तो इस प्रकार, और जो आगे चक्कर से ऊपर निकल गए कुंडलिनी, फिर समाधि लग जाए। मगर समाधि लगने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति, और हो रहे हैं रोग मुक्ति। तो इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म। अच्छा, फिर मानसिक रोग, 80% बीमारियां मेंटल टेंशन से रिलेटेड, 80% बीमारियां मानसिक तनाव से। और मैं देख रहा हूं आजकल मानसिक तनाव सबसे ज्यादा है, मतलब कलयुग का गुणधर्म है, पैसे वाला हो गरीब हो अमीर हो टेंशन रहता ही रहता है, 80% रोग उससे। अब वो मेडिकल साइंस वाले बेचारे उस टेंशन को खत्म करने के लिए दवाई देते हैं, वो 4-6 घंटे असर रहता है, असर खत्म होते ही फिर वो टेंशन ऐसा जा सकता, वो नशा तो हर समय जाए उतर जाता है, नशा तो हम भी कराते हैं, मगर हम राम के नाम का नशा करते हैं, मैटर का नहीं करवाते, स्पिरिट का नशा करवाते हैं। नानक देव जी महाराज ने कहा भांग पूरा नाम का उतर जाए प्रभाव, दिन भर पियो रात को सो तो सुबह नशा गया,
नाम कुमारी नानका चढ़ी रह दिन रात, यही बात कबीरदास कहते हैं। नाम अमल उतरे ना भाई, नाम का नशा उतरता नहीं है, और अमल छिन छिन चट उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार जब नाम का नशा आने लग जाएगा, समझन समझे तो टेंशन खत्म हो जाएगा, और उससे संबंधित सारी बीमारियां बिना ही दवाई के ठीक हो जाएगी। हाइपर टेंशन, लो पर टेंशन वगैरह वगैरह, गठिया भी उसी से होता है, अस्थमा भी टेंशन से होता है, समझे। तो इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, अब नशा भी छूट जाता। अब वो डॉक्टर बहुत हैरान इस बात से है कि नशा छूट जाए और उसके बाद में उसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं हो, ये गड़बड़ कैसे। हजारों लोगों का अफीम छूट गया, हीरोइन छूट गया, भांग गांजा, और लिकर तो आज से छूट जाएगा, समझे समझे। तो मैंने कहा जी, वो कहते गुरु जी ठीक है छूट गया अफीम, हमने भी देखा हजारों को छूट गया, मगर 20 साल तक जो खाता रहा जहर उसका आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे। मैंने कहा भैया मैं इस आपके आफ्टर इफेक्ट्स को नहीं मानता। मैं कहता हूँ मान लो मैं अफीम खाता हूँ, सुबह खाया चाय फिर नशा आ गया, फिर काम करने लग गया, वो तो बाहर से डाला हुआ है, मैटर का नशा है, वो फिर शाम को फिर अफीम लो, समझे समझे। तो आप उसको नशे को आप जीवन में कभी नहीं छुड़ा सकोगे, समझे समझे। ये त्रिगुण में माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, तो तीनों वृत्तियां आदमी में होती है, एक प्रधान होती है जो डोमिनेट करती है। तो तामसिक वृत्ति वाला आदमी फिर मीट शराब ये सब खाता था, जब तक वो वृत्ति नहीं बदले तब तक नशा नहीं छूटेगा। अब हमारे नाम जब और ध्यान से वृत्तियां बदल जाती है, पहले पहले तामसिक ग्लैंड सबसाइड हुई, फिर राजसी सबसाइड हुई, फिर सात्विक हो गया आदमी, सीधा तमोगुण से मोक्ष नहीं पा सकता सात्विक भाव, जब तक सात्विक ग्लैंड चेतन होगी तो ही मामला पार पड़ेगा, समझे। तो ये इस प्रकार जो वृत्तियां बदलेगी उससे आपका नशा छूट जाएगा। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी स्पीच दे रहे थे, तो एक अमेरिकन ने पूछा महाराज लेक्चर तो बहुत लंबे चौड़े जा रहे हो, आपका हमारा सौदा नहीं बैठेगा, आपके धर्म में तो शाकाहारी मांसाहारी सबसे पहला पकड़ा, हम सारे लोग मीट साफ खाने वाले लोग हैं। तो समझी ने कह दिया चलते स्पीच में, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू, मतलब आपको उन वस्तुओं को छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो वस्तुएं आपको छोड़ जाए, फिर क्या करोगे। कितने लोग उपदेश देते हैं नशा मत करो, ये मत करो, कोई मानता है? फिर मेरी कौन गुनाह? मैं कहता हूं मत छोड़ो, एक बोतल पी रहे थे तो आज से डायट शुरू कर दो, मगर नाम को मत छोड़ो। आज तक किसी ने नहीं कहा कि छूटा नहीं, नाम जब करो तो नशा पड़ोसी की नहीं रहे, एक नहीं हजारों का छूट गया। एक यहां एक राजपुरोहित आया मेरे पास, कोई मैं वहां 60 गुलाब नगर से था, तो उसके जमाने को मालूम हुआ कि अफीम छूटता तो उसको लेके आया, वो बूढ़ा बहुत बूढ़ा। अब वो अफीम से क्या होता है, नहाने से डरता है, तो कपड़े मैले आया, मैंने ये मर जाएगा इसको बंद कर दे। मैंने कहा बाबा तेरे को अफीम छोड़ना नहीं, खुश हो गया। मैंने कहा मैं बताऊं नाम जब ले इतने से छूट जैसे मैं करके देख ली। खैर 4-5 दिन वो जपता रहा, वो तक तो था अफीम, गरीब आदमी था। एक दिन क्या हुआ कि शाम को खाना नहीं खाया, अफीम नहीं लिया और खाना खा लिया। ये मेरे को पता लगा कि ये अफीम चीज नशा करके बाद में खाना खाते, वो खा लिया खाना तो अब उसने कर लिया। अब रात को जरूर तकलीफ होगी, अफीम तो खाया नहीं, तके नीचे रख लिया और रात भर नींद नहीं आई, अब तकलीफ हो गया। अब सुबह उठा नहातो के नाश्ता करके सीधा मेरे पास आया, कहने लगा कुछ 2 टाइम हो गया। मैं क्या वो तेरे को छोड़ दिया, तो नाम तो गए अफीम नहीं आ सकता, पड़ोसी नहीं आ सकता, समझे समझे। तो ये तो हुई मतलब इस जीवन में परिवर्तन की बात है, भाई शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नशों से छुट्टी, मगर वो मोक्ष वाला सब्जेक्ट कहां गया? योग जब मोक्ष की बात है वो कहां गया, समझे समझे।
तो जब आप ध्यान करोगे, जब आप ध्यान करोगे, नाम तो निरंतर चालू रहेगा और आंख बंद करके मुझे यहां देखो, तो उस स्थिति में आप साधक जो है अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देख सुन सकता है, अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देख सुन सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पातंजलि से इनका पातंजलि योग दर्शन, कईयों की मौत देख ली, आया उसको जाना जाना है ना, 100 में जाएगा, 50 में जाएगा, 80 में जाएगा, 30 में जाएगा, मगर मालूम नहीं होता कि कब जाएगा। और नाम जो पर ध्यान से माया का आवरण क्षीण हो जाएगा, समझे समझे। तो अगर आपने 10-20-30 अपने परिचितों की मौत देख ली और जैसे देखी वैसे ही होती गई, तब फिर सोचना पड़ेगा कि एक आदमी तो एक्सेप्शन करके टाल दो, मगर 20-30 दिखे वैसे ही मरे, और कहीं ख्याल आ गए गलती से तुम कौन सा मरेगा, तो दिख जाएगा कह जाओगे। अब और मरे तो हमारे का लेना देना, और खुद वाली मौत दिखी घबरा गए। सब जानते हो उन्हें मरना पड़ेगा, बच नहीं सकते, सब जानते हो। रोक सब तो अमर वो अरविंद ने कहा ना कि वो दूसरा मंत्र जो है उसको संजीवनी मंत्र कहा है, पहला वंद्या मातरम, दूसरे के लिए आए वो संजीवनी मंत्र कहा है, उसको संजीवनी मंत्र। संजीवनी का मतलब क्या है मालूम, लक्ष्मण बेहोश हुए थे तो हनुमान जी लाए थे ना संजीवनी मंत्र, मर जाते तो फिर कोई संजीवनी काम नहीं करती है? तो मैं जो दे रहा हूं कृष्ण का मंत्र, ये संजीवनी मंत्र है भाई, जिंदा हो एड्स है चाहे कैंसर है कुछ भी है डोंट वरी, उसको नाम जपना शुरू कर दो, मौत आपसे दूर भगे, मौत आपसे दूर भगे। समझे अब विज्ञान सरेंडर कर रहा है धीरे धीरे, समझे समझे, मगर यट टू रिवील, कह दिया यट टू रिवील, वो संजीवनी मंत्र है, मोस्ट सीक्रेट है, माइस्टिक है, मगर नोट यट रिवील, अभी प्रकट नहीं हुआ है। मैं उसी मंत्र की दीक्षा दे रहा हूं, राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा दे रहा हूं, और कृष्ण तो एक सुपरामेंटल फोर्स है, वो किसी भी स्थिति में आपको ठीक कर सकता है। बाकी जितने योग है ना वो तो व्यवहारिक पक्ष के साथ चलते के ठीक करते हैं, ये उल्टा सीधा कैसे भी करे, इससे कोई रोग नहीं बच सकता, ये तो सुप्रीम सत्ता है, नवे अवतार है हमारे। तो वैष्णव जो दूसरे दुनिया के जो देश है वो पैगंबरवादी है, पैगंबर पैगाम सुना दिया ईश्वर का संदेश, ये देश ईश्वरवादियों का देश है, ये पुण्य भूमि है, इसमें राम और कृष्ण जैसे विभूति अवतार पैदा हुए, समझे। तो ये अब देश उठ रहा है, हमारे ऋषि इस पतन को नहीं रोक सके, तो अब संसार की कोई ताकत इस देश के उत्थान को नहीं रोक सके, समझे समझे। मैं इस दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूं। अब हमारे योग पातंजलि योग की बात की मैंने, अब ऋग्वेद की बात करो, ऋग्वेद कहता है मनुष्य का शरीर 7 प्रकार के सेल से बना है। परमजी वहां स्पीच दे रहे थे, देते 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 मैटर सारा खत्म हो गया, किताबी ज्ञान तो खत्म हो गया, आज क्या बोलेंगे, तो घबराए हो गए, स्टेज पर चढ़ गए वो फिर और बोलने लगे, नीचे उतरे तो कहने लगे आज मैंने क्या बोला मुझे नहीं मालूम, मगर तालियां हमेशा से ज्यादा होती। फिर उन्होंने कहा कि मेरे को भ्रम था, मैं बोल रहा हूं ये तो रामकृष्ण परमहंस बोल रहे थे, तो मुझे भ्रम नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गंगाईनाथ बाबा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो मायक हूं इसका, समझे समझे। तो करेगा यही, मैं शैव हूं, समझे ना समझे, एक भगवत वस्त्रधारी नाथ का चला हूं, इसके आदेश से निकला हूं, साफ कहता हूं पहले नौकरी रेल की थी गंगानाथ जी की, नौकरी आज भी है भाई, उसमें तो अभाव ही अभाव है, इसमें कोई अभाव नहीं। दूसरा एक और गुजरात से बहुत लोग मेरे को मैसेज देते हैं कि
मतलब गुरु शिष्य परंपरा में गुरु जब दीक्षा देता है तो उसके लिए मतलब भेंट या वो दक्षिणा देनी होती है, तभी जो है मतलब मंत्र सार्थक सिद्ध होता है। ये राम और कृष्ण ने भी दी थी दक्षिणा, उनके गुरु भी जानते थे क्या है, तो उन्होंने जो मांगे वो अलग बात है। तो ऐसा कोई अगर देना चाहे तो भाई मेरे वेबसाइट में डाल देना, रुपया दो रुपया चार रुपया जितना में डालना चाहो तो सब, कोई जरूरी भी नहीं। अब वो मैं नाम बता दूं आपको, फिर उस नाम के साथ 15 मिनट ध्यान करना, समझे। ये मीडिया वाले भी आए हुए हैं, इंडिया टीवी वाले, तो ये आपके योग को तो घबराएगा नहीं। नाम निरंतर जपो और यहां मुझे देखना, समझे। तो यहां मैं दिख जाऊंगा, 5-4 मिनट दिखूंगा, फिर वो मन भगेगा, मुझे यहां देखोगे मन फिर चुप होकर बैठ जाएगा। पांचों ऋषि ने दूसरे सूत्र में कहा है समाधिपाद में, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही हो गया, या जो भग रहा है इधर उधर वो शांत होगा, नहीं बैठ रहा था तो पार नहीं पड़ेगी, उन्मना बनो, मन नाम की चीज खत्म, फिर मामला शुरू जाएगा, समझे समझे। तो ये मैंने एक तरीका बताया, अब वो मंत्र बता दूं, वो मंत्र बताना नहीं, वो पर्चा भी दे दूंगा मैं, वो पर्चा कोई देख ले कोई चिंता की बात नहीं है, इरादतन नहीं बताना। 7 मंत्र लिया है अनपढ़ आदमी को, स्त्री पुरुष है तो बता सकते हो 7 बारों, जिसने दीक्षा ही नहीं ली हो, बहन ने नहीं ली, तो इसका भला हो जाएगा, बता दूं कि उसने नहीं लिया, ऐसा नहीं करने का, क्योंकि फिर उसका भला नहीं होगा और आपको भी नुकसान हो जाएगा। तो एक मर्यादा है, लक्ष्मण रेखा है, मुझे आदेश था, मैंने बोला। अब मैं, मेरे को जब आदेश दे जाए कि इसको बांट, मेरे गुरु ने कहा तेरे दरवाजे से खाली नहीं जाए कोई, तो भाई पात्र सीधा रखो कि डालूंगा, उल्टा रखो कैसे डालूंगा। और कई लोग कहते हैं कि ये परिवर्तन कितनी देर में आ जाएगा, कितनी देर में। एक उदाहरण दूं, राजा जनक को एक सिनक सवार हुई कि मैं तत्व ज्ञान प्राप्त करूं, कई गुरुओं को बुला लिए, पार नहीं पड़ी, उधर से अष्टावक्र जी भी आ गए, तो अष्टावक्र को कहा गया महाराज ये गुरु तो नहीं बता सके, आप बता दो। तो कहने लगे इसमें बताना भी तुम्हें क्या बात है, तो कितनी देर में प्राप्त हो जाएगा तत्व ये ज्ञान, उसने 1 सेकंड नहीं लगेगा। उसने कहा घोड़े के 1 रकाब में पैर रख, दूसरे में नहीं रख पाएगा, मगर आपका जब तक अहम नहीं खत्म होगा, तो अहम नहीं खत्म होगा तो भाई टाइम लग सकता है, नहीं तो अभी से शुरू हो जाएगा। और मैंने आपको कुछ दिया नहीं, मैंने तो आपको अपने आप से परिचय करवाया है। अब इसमें एक मुद्रा का और वर्णन कर दूं मैं, तो कहीं नहीं चले गए, अब एड्स का तो मैं हल्ला मच गया जी, तो क्या जुलम हो गया। त्रिवेदी ताप शांत में ये भी तो आता है, अब ठीक है वो अपने ढंग से सोचते हैं, मैं तो अपने ढंग से सोचता हूं, मैं तो मेरे गुरुदेव के आदेश से ये कर रहा हूं, 31 मार्च तक यही करूंगा, आगे का भी प्रोग्राम तय नहीं। और 24 नवंबर को जन्मदिन मनाएंगे ये लोग मेरे शिष्य, 81 साल का हो जाऊंगा 24 नवंबर पूरा, और 82 वर्ष। तो भाई क्या पता साल का हूं 2 साल का हूं, जितने नेकी कर नदी में डाल। तो अब मैं नाम बता दूं आपको, एक शब्द है वाइब्रेशन, एक अजीब तरह का वाइब्रेशन, क्लिंग शब्द है, क्लिंग के आधा है लय में मिला हुआ, ई की मात्रा और बिंदी, इसका ध्वनि निकलेगी क्लिंग ग, पीछे ग की ध्वनि निकलेगी क्लिंग ग, क्लिंग क्लिंग। अब एक क्लिंग जपने में थोड़ी असुविधा होती है, तो हमारे ऋषि ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्रय नहीं क्री लगाओ, एक मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और अकेला कृष्ण कुछ नहीं कर सकता, राधा के बिना कृष्ण आता, समझे। तो इसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, ये नहीं बताना, समझे समझे। आप नहीं बताना, बाकी ये जो फिल्माया जा रहा है
अब मेरी आवाज से होता है, मैं आपको बताऊ मेरी आवाज में तो चेंज आ गया ना मेरी, आप बताओ कि चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आप मतलब उस स्टेज तक नहीं पहुंचे। मेरी आवाज जो है ना इस ये मंत्र मैंने अलाउ कर दिया कि ये सो कैमरे में फिल्मा लो और दुनिया में इसका प्रचार करो, तब बजाओ उसको कोई बात नहीं। सब टाइम में कर रहा हूं, मैंने कहा पानी पड़ेगी कहां का जाएगा तू अकेला, तो ये सीधी बन जाएगी, आप ले जा सकते हो कहीं बजा सकते हो। और वो मेरी आवाज सुन करके और ये मंत्र जपेंगे ना तो आपको जो होगा वही उसको हो जाएगा। पेपर बटवा देता हूँ, जपना है मन ही मन, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो अब भैया पेपर बांट दे, ये पेपर बांट ले, पेपर कोई देख ले ऐसी बात नहीं है, अब तो मैंने ओपन कर दिया तो ओपन कर ही दिया, इसमें क्या बात है। अब 15 मिनट उसके बाद में ध्यान करो, ये आए हुए हैं इंडिया टीवी वाले, ये योगी किरे हैं आपकी फिल्माएंगे, तो इनको दस्ती थी कि अपना उपयोग होगा, मैंने कहा अभी फैसला हो जाएगा। और कई गुरु कहते हैं
चीज कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ।
और ध्यान करने से पहले एक ही शर्त है, खाली पेट होना चाहिए सुबह सूर्योदय से पहले है? और यहाँ आंख बंद करके यहाँ आज्ञा चक्र पर मुझे देखो और प्रार्थना कर लो आपको कितनी देर ध्यान करना है, 15 मिनट 20 मिनट 27 मिनट 21 मिनट और बैठ जाए नहीं, इसलिए यहाँ मुझे देखो नमस्कार करो इतने मिनट ध्यान करना है। तो पधारो आप लोग, बहुत देर होगी, रात होगी, बच्चे साथ वर्षों में आप लोग अपनी जगह पे ही खड़े अर्पित करना है, वो आसन के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। कृपया गुरुदेव के नजदीक नहीं जाएं, पहले लेडीज आ जाएं, पहले महिलाएं मंच के ऊपर आ जाएं।